हेलो फ्रेंड्स कंपटीशन कमेटी के वीकली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं हेमंत प्रधान आइए फ्रेंड्स आज हम देखते हैं पिछले दो सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगा क्योंकि पिछले सप्ताह में करंट अफेयर्स के वीडियो कुछ कारणों से नहीं आ पाए थे इसलिए हम आज के सेशन में पिछले दो सप्ताह के करंट अफेयर्स कवर करेंगे जिसमें सात जून से लेकर बीस जून तक के करंट अफेयर्स शामिल हैं तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना याद दिलाना बहुत ज़रूरी होता है कि जब आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको सिर्फ एक ही अप्रोच काम का आएगा दैट इज़ द कॉम्प्रीहेंसिव अप्रोच व्यापक अप्रोच जिसमें कोई भी करंट अफेयर्स जो पढ़ते हैं वो उसका डायनेमिक पार्ट होता है उससे रिलेटेड जो फंडामेंटल्स होते हैं बेसिक्स होते हैं उसका स्टैटिक नेचर होता है ये दोनों को जब आप कवर करते हैं तो उस एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप स्कोर करते हैं सॉल्व करते हैं और डेफिनेटली आपका स्कोर भी हाई होता है और हमारा एरिया ऑफ टारगेट जिस एरिया से हम क्वेश्चन लेते हैं करंट अफेयर्स के कंटेंट लेते हैं तो बेसिकली दैट इज़ एनवायरमेंट सेक्टर साइंस सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर तीनों चीज़ों को हम शामिल करते हैं और पिछले दो सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट आज के सेशन में कवर करने वाले हैं और ये है आज का सेशन का इम्पॉर्टेंट एजेंडा जिसमें आज पूरा सेशन इस पे बेस्ड है दैट इज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे फिर उसके बाद विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस तीसरा हम पोलियो को कवर करेंगे चौथा हमारा वेव 5.0, उसके बाद देखेंगे ईपीआई एन्वायरमेंटल परफॉर्मिंग इंडेक्स उसके बाद पृथ्वी टू मिसाइल का एक टेस्टिंग हुआ है देन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इंडेक्स है वो जारी हुआ है और उसके बाद सी की रिपोर्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आइए आज के सेशन में इन सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं ध्यान रखना फ्रेंड्स ये इतना इम्पॉर्टेंट कंटेंट है कि आप ये मान सकते हैं खासकर वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कोई भी क्वेश्चन ये कैसा तुर्ुप का इक्का है अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पता है आपको ये किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन में इसके आंसर राइटिंग में इसे शामिल कर सकते हैं चाहे वो यू स्तर का हो या राज्य स्तर के सिविल सर्विस एग्जाम हो सभी जगह ये काफ़ी काम आते हैं उन सभी पॉइंट्स को भी मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें आप लिख सकते हैं तो सबसे पहले आज के सेशन का फर्स्ट पॉइंट विश्व रक्तदाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हम सभी को ब्लड डोनेट करना चाहिए और कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है उस पॉइंट पर भी आएंगे लेकिन सबसे पहले देखिए कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे एवरी ईयर ऑब्जर्व ऑन फोर्टींथ ऑफ जून चौदह जून को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है कोई भी डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है ताकि अवेयरनेस फैलाया जा सके ताकि लोग उसके प्रति ज़्यादा जागरूक हों और उसके बाद फाइनली उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त किया जा सके जिसमें यहाँ पे भी वही बात आ रही है कि जितने भी ब्लड हैं और उससे जो ब्लड प्रोडक्ट होते हैं जैसे प्लेटलेट वगैरह ठीक है हीमोग्लोबिन वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें तो वो सब चीज़ों को क्या है उसकी आवश्यकता के संदर्भ में हमको जो है जागरूकता बढ़ाना है और जिन्होंने भी ब्लड डोनेट किया उनके प्रति एक आभार व्यक्त करना है ठीक है इसीलिए ये ब्लड डोनेशन डे जो है मनाया जाता है और याद रखना ये इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है इसलिए ये इम्पॉर्टेंट कंटेंट है ध्यान रखना इसमें दोनों ही पॉइंट शामिल हैं कि ब्लड डोनर को हम थैंक्स कहेंगे थैंक्स गिविंग के लिए दूसरा हम प्रमोट करेंगे जागरूक करेंगे कि ब्लड डोनेट किया जाए ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए थीम उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ऑल दो आप लिख सकते हैं डोनेटिंग ब्लड इज इन एन एक्ट ऑफ सॉलिडेरिटी जॉइन द एफर्ट एंड सेव लाइफ ठीक है बस इतना आपको जानना है डे कौन सा है और कब से स्टार्ट हुआ था डे इज 14 जून स्टार्ट हुआ था 2005 में क्यों अवेयरनेस के लिए बेसिकली याद रखना एंड थैंक्स गिविंग टू द डोनर नाउ इसका स्टार्टिंग पार्ट आप समझिए और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे फंडामेंटल बता रहा हूँ इसके बाद आज के बाद कभी भी आपको कौन किसको ब्लड डोनेट डे कर सकता है कौन किसे रिसीव कर सकता है हमेशा हमेशा के लिए वो डाउट क्लियर हो जाएगा तो सबसे पहले इस बात को हम फोकस करते हैं कि यहाँ पे ब्लड ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी इसमें याद रखना उनका नाम है लैंड स्टीनर तो लैंड स्टीनर साहब ने सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की थी जिसमें उन्होंने बताया था ए ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुप एबी टाइप का ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप इस प्रकार उन्होंने बताया था ये क्या है रक्त समूह की खोज किसने की थी लैंड स्टीनर साहब ने की थी अगर इसमें एक नाम जोड़ दो वीनर तो वीनर और लैंड दोनों ने ही ब्लड में ही एक फैक्टर या कारक पाया जाता जिसे कहते हैं आरएच फैक्टर तो आर एच फैक्टर किसी में प्रेजेंट है तो आर एच प्लस रहेगा जिसमें एबसेंट है तो आर एच माइनस कहलाएगा तो ये दोनों चीज़ें याद रखना ब्लड ग्रुप का डिस्कवर किया था उन्होंने लैंड साहब ने और वीनर प्लस लैंड दोनों मिला देंगे तो आर एच फैक्टर या आर एच कारक का जो है इन्होंने खोज किया था बेसिकली मंकी में भी मिलते हैं ह्यूमन बींग में भी मिलते हैं ठीक है क्योंकि मंकी हमारे एनसेस्टर हैं पूर्वज हैं अब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट कंटेंट बताने वाला हूँ जो आपका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर देगा कि कौन किसको ब्लड डोनेट करता है और कौन किसे रिसीव करता है आपको एक छोटा सा टेबल बनाना है ठीक है जैसे एक टेबल है सिमिलर लाइक दिस आप भी ड्रॉ कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ठीक है तो जिसमें कि हमको सबसे पहले लिखना है यहाँ पे ब्लड ग्रुप का नाम जैसे ए ब्लड ग्रुप हो गया ठीक है उसके बाद देखो बी ब्लड ग्रुप हो गया उसके बाद ओ ब्लड ग्रुप हो गया उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप हो गया अगर मैं इसे ऊपर लिखूं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं डोनर मान लो ये डोनेट करने वाले हैं दाता हैं ठीक है दाता हैं ठीक है? है. अब मैं सिमिलरली इधर फिर से लिख देता हूं ए बी उसके बाद ओ फिर ए बी अब इसे मैं कह देता हूं ये क्या है आपकी रिसिपियंट है या ग्राही है ये इसे मैंने क्या कह दिया रिसिपियंट ठीक है कह दिया ये क्या है? आपकी ग्राही है अब कौन किसको ब्लड दे सकता है कौन किसे नहीं दे सकता है इस प्रकार इसे समझे। देखो चार टाइप के हैं प्लस पॉजिटिव नेगेटिव की बात हम बाद में करेंगे लेकिन फिलहाल हम बेसिक टाइप के कंसेप्ट को समझते हैं हमको दो बातों को समझना होगा जो ओ होता है जो ओ ब्लड ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं सार्वत्रिक यूनिवर्सल डोनर होते सार्वत्रिक दाता होते हैं। एक पॉइंट ये समझ जाइए दूसरा जो ए बी ग्रुप वाला होता है ये क्या होता है यूनिवर्सल सार्वत्रिक सार्वत्रिक दाता ये हो गया तो ये क्या हो जाएगा ग्राही हो जाएगा यूनिवर्सल यूनिवर्सल क्या है रिसेप्टर या रिसिपियंट और यूनिवर्सल डोनर ठीक है बस इतना आपको समझना है अब चलो इसे हम पुट करते हैं यहां पे अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले यूनिवर्सल डोनर, डोनर है, तो सबको देगा ए को भी देगा बी को भी देगा ओ को भी दे देगा और ए बी को भी दे देगा दे 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 क्योंकि यूनिवर्सल डोनर है अब ये कह सकते हो बड़ा दानदाता वाला है ठीक है और यूनिवर्सल सार्वत्रिक ग्राही ये ए बी वाला एक मान के चलो है बड़ा सेल्फिश टाइप का है ये लेता सबसे देता अपने को है ठीक है तो ये बात को आप समझ गए समझ गए कि ए बी वाला थोड़ा सेल्फिश टाइप का है सबसे लेता है लेकिन देता अपने फैमिली वाले को है ए बी वाले को तो आपको यहाँ पे समझना है और ओ क्या है बड़ा दानदाता वाला है डोनर है ठीक है दानवीर है समझो तो ओ को हमने यहां पे दिया देखा कि सबको दे चुका है अब बात आती है ए बी की तो ए बी क्या है सबको क्या है सबसे ले सकता है लेकिन देता अपने चवाले को तो ए भी क्या ए को दे सकता है क्या देखिए नहीं दे सकता क्योंकि अपने वाले को देगा ना ये तो डोनर वाली आ गई फिर ए बी बी को दे पा रहा है क्या नहीं देगा क्योंकि अपनी फैमिली वाले को देगा वो ओ को दे सकता है क्या नहीं दे सकता लेकिन उसके बाद देखो ए बी को दे सकता है क्या ए बी वाला यस दे सकता है ठीक है क्लियर हो गया आप सभी को देन आफ्टर आप देखो कि यहाँ पे ए वाले को तो ए और बी में आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है कभी भी नहीं होना है आपको बस एक चीज सोचना है आपको ए वाला किसे देगा तो ए को खोजना है बी वाला किसे देगा तो बी को खोजना है ए ए को दे सकता है क्या दे सकता है अपने वाला है ए बी को दे सकता है क्या तो बी में ए ढूंढो नहीं है सिर्फ बी ही है तो क्रॉस कर लो ए वाला ओ को दे सकता है क्या ए खोजो नहीं मिल रहा है ए तो इसे भी नहीं दे दे सकते ए वाला ए बी को दे सकता है क्या तो ए मौजूद है देखो यहाँ पे तो आप इसे टिक कर लो तो ए वाला किसे किसे दे सकता है ए को, को दे सकता है और ए बी को दे सकता है क्लियर हो गया आप सभी को सिर्फ ए किसको देगा तो ए खोजो बी किसको देगा तो बी खोजो तो बी वाला को बी ए को दे सकता है क्या नहीं दे सकता बी तो है ही नहीं बी वाला बी को दे सकता है क्या है बी मौजूद तो बी देगा ही बिल्कुल बी वाला ओ को दे सकता है क्या बी मौजूद है क्या नहीं है बी ए बी को दे सकता है क्या देखो बी मौजूद है तो आपको यहां पे समझना है ये इसे दे सकता है ये सभी पॉइंट क्लियर हुआ मैं रिवाइज करा रहा हूं देखो ओ यूनिवर्सल डोनर है सार्वत्रिक दाता है तो सबको दे दिया और ए बी क्या है थोड़ा सेल्फिश टाइप का है सिर्फ अपने चवाले को देगा बाकी किस लेगा सभी से तो यहाँ देने वाली बात आ रही है तो ए को नहीं दिया बी को नहीं दिया ओ के भी नहीं दिया लेकिन ए बी को दे दिया क्योंकि अपनी फैमिली वाला है और ए में ए खोजना है बी में बी खोजना है क्लियर हो गया तो ये डोनर वाला क्लियर हो गया कंसेप्ट आपको अब रिसिपियंट वाला थोड़ा समझो। अगर ये समझ में आ गया है तो आपको मैंने बताया था कि ए बी क्या है यूनिवर्सल रिसिपियंट है सार्वत्रिक ग्राही है तो देखो ए बी वाले को पकड़ो ये देखो आपका आपका आ रहा है देखो ए बी सभी को क्या है सभी से ले रहा है ठीक है अगर हम यहाँ पे रेसिपियंट एंगल से सोचते हैं तो क्या है ये ए से भी ले रहा है बी से भी ले रहा है ओ से भी ले रहा है ए बी से ले रहा है क्लियर हो गया और हमने डोनर वाले की बात की तो देखो ओ जो है सभी से क्या सबको दे रहा है तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा इसी टेबल को आप ड्रॉ कर लेना विद इन टू मिनट ये ड्रॉ हो सकता है अगर आपको कभी कंफ्यूजन लगे तो आई होप ये बातें सभी क्लियर हो गई तो इसका स्टैटिक पार्ट इतना है काफी है ठीक चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं करंट अफेयर्स में अब देखिए अफेयर जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है ठीक है ये क्यों इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड डे टू कम्बे डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ठीक है इसकी थीम क्या है एक साथ सूखे से निपटना राइजिंग अप फ्रॉम ड्रॉट टूगेदर 17 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है क्यों इंपॉर्टेंट है अगर आपने प्रीवियस सेशन अटेंड किया है तो मैंने बताया था कि 1992 के अर्थ समिट या फिर कह सकते हैं पृथ्वी सम्मेलन वन में हम जो डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंट्स रिलीज़ किए थे अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट निकाले थे उस डॉक्यूमेंट्स में क्या है तीन सिस्टर कन्वेंशन की उत्पत्ति हुई थी तीन और प्रकार के नए प्रकार के कन्वेंशन यानी कि सम्मेलन की उत्पत्ति हुई थी जिसमें मैंने एक कहा था सी बी डी कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी दूसरा मैंने बताया था यू एन एफ ट्रिपल सी जिसमें कि हमने बताया था क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए दूसरा कन्वेंशन था यूनाइटेड नेशन फ्रेमर कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज ठीक है वैसे ही एक मैंने बताया था यू एन सी सी डी ठीक है याद रखना फ्रेंड्स ये 2018 के पीएससी में भी पूछा जा चुका है और फिर से ये पूछा जा सकता है यू क्योंकि वर्ष 2022 के मई मंथ में ही कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की फिफ्टींथ मीटिंग हुई है कहाँ पे हुई है आबिद जान के आइवरी कोस्ट या कोटेडी आइवरी जगह में आइवरी कोस्ट ठीक है मई मंथ में ये हुआ था तो आइवरी कोस्ट में ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फिफ्टींथ हुई थी वो जो है डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए इस प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं तो यहाँ पे दो टर्म भी आप समझ लीजिए दो बातें हैं एक है सूखा और दूसरा है डेजर्ट किसी एक वर्ष में दो वर्ष में अगर बारिश का ना होना वहाँ पर उसे ड्रॉट या सूखा कह सकते हैं लेकिन लगातार मिट्टी में उसकी फर्टिलिटी का डिग्रेड होना लंबे समय तक वहाँ पे वाटर जो है नीचे चला जाना या वाटर की मौजूदगी नहीं होना सॉइल में जो मिनरल्स हैं पूरी तरह से ख़त्म हो जाना इसके कारण जो है सॉइल जो होती है डिग्रेड हो जाती है उसका निम्नीकरण हो जाता है और वहाँ पे छोटे छोटे एनिमल्स या घास फूस भी उगना चाहिए वो भी नहीं उग पाता और फाइनली वो डेज़र्ट का रूप ले लेता है मरुस्थरीकरण का रूप ले लेता है तो इस प्रकार की परिस्थिति निर्मित होती है तो इसका जो है एरिया लगातार बढ़ते जा रहा है ये हमारे लिए चिंता का विषय है इसीलिए उसे रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन का ये आ, जो है बेसिकली अवेयरनेस फैलाने के लिए 17 जून को वर्ल्ड यहाँ पे मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस जो है मनाया जाता है इस बात को आपको ध्यान रखना है डेट इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल 2022 में ये मीटिंग हुई थी इससे पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की फोर्टीन मीटिंग यानी पार्टियों के समूह देशों के समूह की जो मीटिंग हुई थी इससे पहले दिल्ली में हुआ था न्यू दिल्ली में और यही आपकी सीजीपीएससी में पूछा गया था बाद में क्या है अभी इस वर्ष दो हज़ार बाईस है तो इसीलिए ये फिर से इंपॉर्टेंट हो गया है थीम भी याद रख लेना एक साथ सूखे से निपटना दैट्स इट ठीक है अब यहाँ पे एक बात आपको समझना है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं एक टर्मिनोलॉजी है यू एन सी से लेकर तीस तक एक सामरिक फ्रेमवर्क यानी कि स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क ये बेसिकली है कि दुनिया में हमको डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ग्लोबल हमारा कमिटमेंट है और ग्लोबल कमिटमेंट जो है उसको जो वैश्विक हमारी प्रतिबद्धता है उसे पाने के लिए क्या है ये बेसिकली आपका स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है इसमें वो यर इम्पॉर्टेंट इसलिए मैंने यहाँ बताया कब से स्टार्ट हुआ था दो से अगर यहाँ पे देखेंगे ठीक है 2018 से लेके यहाँ पे देख रहे हैं 2030 तक का ये डेट है और दूसरा यहाँ पे देखते हैं दैट इज अबाउट यू एन सी सी डी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बहुत डिटेल से आज मैं बताऊँगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब विकास का ऐसा स्वरूप जिसमें डेवलपमेंट भी हो और पर्यावरणीय क्षति भी ना हो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी ना हो दोनों साथ साथ चलें. डेवलपमेंट भी हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो रहा है और पर्यावरण की क्षति भी नहीं हो रही है तो विकास के ऐसे स्वरूप को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है सबसे पहले ब्रंटलैंड रिपोर्ट में इसकी बात कही गई थी ठीक है ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सबसे पहले इस शब्द की के बारे में बताया गया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है, फर्दर यहां पे देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है सत्रह गोल्स हैं, सत्रह लक्ष्य हैं, जिसे आज के सेशन में हम कवर भी करेंगे तो सत्रह गोल में ये फिफ्टींथ नंबर का क्या है बेसिकली ये सूखा या डेजर्टिफिकेशन या ये जो बहुत ही आ, कहना चाहिए पुअर टाइप का जो इको इको सिस्टम है इसे बचाने के लिए इसमें बात की गई है यू एन सतत विकास का मतलब कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में यू एन यानी डेजर्टिफिकेशन की बात की गई है फिफ्टींथ नंबर में की गई है क्लियर हो गया बस ये दो बातें रखिएगा ये प्रलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मेंस का मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा ठीक है नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं पोलियो अब आप सोच रहे हैं कि पोलियो को क्यों पढ़ रहे हैं भाई पोलियो वायरस 2014 में भारत से पूर्णता समाप्त हो चुका है यह डब्ल्यू एच ओ का डिक्लेरेशन है कि 2014 में भारत पोलियो फ्री नेशन बन गया पोलियो मुक्त राष्ट्र बन गया और आखिरी केस हमारा मिला था वो जनवरी 2011 में 11 के बाद तीन साल बीतने के बाद चौदह में फाइनली डब्ल्यू एच ओ ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया क्या है पोलियो फ्री नेशन है बट सडनली यहाँ पे इसी पिछले वीक की बात कर रहे हैं कोलकाता में यहाँ पे पोलियो वायरस फिर से पाया गया इसीलिए हडकंप हड़कम बच गया तो बेसिकली यहाँ पे बात समझिए कि ये जो पोलियो वायरस कौन से टाइप का पोलियो वायरस वो पोलियो वायरस जो पहले बहुत ज़्यादा लीथल या घातक होता था जो आपके स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरू को या फिर आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता था और फाइनली लोग अपंग हो जाते थे नहीं ये वो चीज़ नहीं है ये बेसिकली जब हम किसी भी जैसे कोविड अभी कोविड वैक्सीन हमने लिया है हमारे बॉडी में हमने कोविड वायरस को इंजेक्ट करा है लेकिन उसके जो लीथल या घातक वाले पार्ट को हमने डिसेबल कर दिया है उसे क्या निष्क्रिय कर दिया है तो ऐसे ही पोलियो वायरस का भी क्या है एक निष्क्रिय फॉर्म जो है आपकी बॉडी में है बचपन से ही क्या है पोलियो वैक्सीन आप सभी ने पिया होगा हम सभी ने पिया है तो वहाँ पे जो वैक्सीन हमारे बॉडी में गया वो क्या है एक डिसेबल टाइप का पोलियो वायरस था अब वो डिसेबल टाइप का पोलियो वायरस तो जब भी क्या है ध्यान देना यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ कि जब भी क्या है कोई भी वैक्सीन हम लेते हैं तो वैक्सीन जब लेते हैं तो बाहरी कोई एक्सटर्नल पॉइंट जब हमारे बॉडी एक्सटर्नल बॉडी हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो डब्ल्यू क्या काम करता है टी सेल को बोलता है कि जाओ बाहर से कुछ चीज़ आया है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाओ तो बाहर से कोई वायरस हमारे बॉडी में गया बैक्टीरिया गया या फंगस गया कुछ भी गया तो एक्सटर्नल बॉडी बाहरी कोई चीज़ आया तो हमारे बॉडी में टी सेल क्या करता है वहाँ पे एंटीबॉडी बनाता है मतलब उस बॉडी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाया और उसे क्या करता है डिस्ट्रॉय कर देता है लेकिन जब अभी बात हो रही थी कोविड की तो कोविड वायरस ठीक है कोविड वायरस जब हमारे बॉडी में गया तो आपका टी से डब्ल्यू बी सी टी सेल को कहता है जाओ उसे अटैक करो उसे डिस्ट्रॉय करो एंटीबॉडी बनाओ तो बेचारा टी सेल सरेंडर कर दिया कि ये बोलता है कि ये दुश्मन थोड़ा ख़तरनाक टाइप का है मैं इससे नहीं लड़ सकता और फाइनली आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो फाइनली क्या है वैक्सीन्स वगैरह जब आए अलग अलग प्रकार की वैक्सीन्स हैं तो ये वैक्सीन का एक टाइप जिसमें आपको डिसेबल टाइप का वायरस आपके बॉडी में घुसाया गया और वही आपके आपके बॉडी में एंटीबॉडी बन गया एंटीबॉडी बनने के बाद अब आओ कोविड वायरस अटैक करो मुझे आप इनवाइट भी करोगे तो अगर आपके बॉडी में एंटीबॉडी है तो उस कोविड वायरस को आसानी से आप क्या कर सकते हो अब वो आपके बॉडी का एंटीबॉडी उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और आपको कोविड के प्रति आपको पूरी सुरक्षा मिल जाएगी इट इज़ सिमिलर लाइक दैट कि जिसमें कि हम देखते हैं कि हमारे पास वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस जो है आपको वहाँ पे लिया गया था और यहाँ पे देखा गया कि वहाँ के सीवेज में सीवेज में यही टाइप का वायरस पाया गया जो ज़्यादा हार्मफुल नहीं था लेकिन मैटर या चिंता वाली ये बात थी ये गया कैसे वहाँ पे मौजूद कैसा है क्योंकि बेसिकली वो बॉडी में होना चाहिए और बॉडी में होने पर क्या एंटीबॉडी जनरेट होनी चाहिए और एंटीबॉडी जनरेट होने के बाद आपकी आपको इम्यूनाइजेशन पावर मिल गया आपकी बॉडी में प्रतिरक्षा मज़बूत हो गई लेकिन ये बाहर क्यों मिला क्या ये नए प्रकार क्या म्यूटेंट टाइप का वायरस था क्या या फिर से क्या है कोविड फिर से पोलियो का क्या है नया दुष्प्रभाव दिखेगा क्या इसलिए इस टाइप की रिसर्च जो है इस सब की बातें जो है कहीं गई तो बेसिकली जो दो टाइप के आप वैक्सीन लेते हैं एक टाइप का है आप मुंह से तीन ड्रॉप लेते दो बूंद जो लेते हैं ठीक है जिसमें कि आपका कोविड वैक्सीन जो लेते हैं ओरल मतलब आप मुंह से जो वैक्सीन लेते हैं ओ कहते हैं और इंजेक्टेबल आप इंजेक्शन के थ्रू जिसे लेते हैं उसे आई कहते हैं तो ये ओ का ही एक कहा गया कि ओ के कारण ही वहाँ पर मिला है तो किसी कारण से मौजूद वहां पे पाया गया उसको रिसर्च का विषय है क्यों पाया गया समथिंग लाइक दैट बट याद रखना एक नए टाइप का म्यूटेंट वायरस नहीं था जो डिसेबल वायरस जो दिया गया था वही वहां पर सीवेज में पाया गया ठीक है कहाँ पाया गया इंपॉर्टेंट है इसी कारण मैं इस न्यूज को कवर किया हूं क्योंकि यह पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पोलियो फ्री कंट्री में फिर से पोलियो के प्रेजेंस पाना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है तो याद रखना ये क्या है सीवेज में मिला था और एक वैक्सीन डिराइव पोलियो वायरस था ठीक है वैक्सीन से व्युत्पन्न वाला पोलियो वायरस था टीकाकरण जो है अगर दिया जाता है तो दो टाइप का मैंने बताया जन्म के समय दिया जाता है आफ्टर बर्थ तुरंत दिया जाता है उसके बाद देखो छठवें सप्ताह में दसवें सप्ताह में और चौदहवें सप्ताह में दिया जाता है और एक बूस्टर डोज दिया जाता है सोलह से लिख के चौबीस महीने की उम्र में दिया जाता है ठीक है ये ऊपर वाला वीक है नीचे वाला क्या है आपका बेसिकली मंथ है ध्यान रखना इस बात को ये बेसिक बेसिक बातें आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं दूसरा इंजेक्टेबल पोलियो वायरस जैसे कि हमारा यो यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसमें डीपीटी का टीका लगाया जाता है डिफीरिया पर्टोसिस और टे, टेटिटनस का है ना उसकी जो तीसरी खुराक के साथ एक एडिशनल टाइप का और वैक्सीन दिया जाता है तो इस समय क्या है ये पोलियो वैक्सीन भी दिया जाता है ध्यान रखना जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा मैं समझ रहा हूँ पोलियो का सिर्फ ओ से नहीं दिया जाता आपकी आई से भी दिया जाता है जो बेसिकली आपके डी के साथ दिया जाता है ठीक है ये बातें आपको क्लियर करनी है अब पोलियो की बात की जा रही है तो पोलियो वैक्सीन का डिस्कवर किसने किया था ये बात भी याद रखना उनका नाम है उनका नाम है याद रखना यहाँ पे साल्ख एंड से कह सकते हैं साल्ख एंड सेबिन कह सकते हैं अल्बर्ट सेबिन नाम है उनका ठीक है साल्क एंड अल्बर्ट सेबिन सेबिन नाम है ये क्या है पोलियो वैक्सीन की इन्होंने फाइनली यहाँ इन्होंने आविष्कार किया था ये बनाया था उन्होंने ठीक है ये बातें आपको याद रखनी है और 2014 पोलियो फ्री कंट्री बना है इंडिया ये भी याद रखना ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आप के से सबसे क्लोज कंटेंट है कह सकते हैं क्योंकि आप मोबाइल यूज़ कर रहे होंगे आप सोशल मीडिया यूज कर रहे होंगे तो बेसिकली ये वही पॉइंट है कि सबसे पहले जब इंटरनेट हमने यूज करना सीखा तो इंटरनेट यूज़ करना सीखा तो हम अलग अलग प्रकार के वेब पेज आए जिसमें स्टार्टिंग का वेब पेज क्या था स्टार्टिंग का वेब पेज था कि हम यहाँ पे कोई भी कंटेंट यहाँ पे अपलोड कर दिया जैसे इसने अपलोड कर दिया तो इन्होंने पढ़ा सिर्फ आप इसे पढ़ सकते थे ये वेब 1.0 की बात आई और अभी जो यूज़ करते हैं वेब 2.0 की बात है जिसमें कि आप अपलोड भी कर देते हैं आप इसमें कुछ लिख भी देते हैं आप इसमें कुछ चीज़ें क्या है लिख देते हैं तो सामने वाला उसे पढ़ भी लेता है पढ़ भी लेता है और फाइनली हम इसे क्रिएट भी कर सकते हैं जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप वहां पर लिख सकते हैं आप वहाँ पे कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप उसमें क्या है लाइक कुछ भी चीज़ें लिखे आपने राइट किया राइट किया आप क्रिएट किया आप पढ़ भी सके तो ये क्या है सेकेंड टाइप का हो गया यही चीज़ें अभी इसी के कारण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है आप यूज़ कर पा रहे हैं लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था शुरुआती वर्जन वन पॉइंट वे वन पॉइंट जीरो की बात हो रही थी ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पूरी तरह से एक नई क्रांति लाने वाली है आने वाले समय में और वो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है कैसे समझो वन को आपने समझ लिया टू को समझ लिया वन में सिर्फ रीडिंग कर सकते थे और इन्फॉर्मेशन ले सकते थे सेकेंड में आप रीड भी कर रहे हो राइटिंग भी कर रहे हो क्रिएट भी कर रहे हो जो बेस्ट एग्जाम्पल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब चीज़ें कर रहे हैं तीसरा जो है ये भी अभी लॉन्च किया जाना है ठीक है या कुछ जगह किया जा चुका भी होगा इंडिया में तो नहीं है तो रीडिंग राइटिंग एंड ओनिंग ओनिंग मतलब क्या है उसका जो है मालिक आप रहेंगे आप उस डेटा को आप ही क्या है लिख सकेंगे कर सकेंगे लेकिन इसमें क्या थोड़ी सेंसरशिप है थोड़ी कैंची चल भी जाएगी जैसे आप कुछ भी बोल देंगे कुछ भी लिख देंगे और अगर वो नेशनल सिक्योरिटी की अगेंस्ट में है या कह सकते हो किसी प्रकार से वो खतरनाक है तो वहाँ पे कैंची चलाना जरूरी है सेंसरशिप होना जरूरी है लेकिन यहाँ पे पार्शियल सेंसरशिप होगी या पार्शियल ओनिंग होगी जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं लेकिन जो हैं ट्विटर के जो फाउंडर सी हैं जैक डॉर्सी आप जानते होंगे पराग अग्रवाल जो है अभी वर्तमान में जो है ट्विटर के जो है सी हैं इसके पहले फॉर्मर ट्विटर के सी जैक डॉर्सी ने ब्लॉक चैन टेक्नोलॉजी के लिए और बेसिकली उनका जो वर्चुअल करेंसी है जिसे हम कहते हैं वर्चुअल करेंसी बहुत सारे अभी आ गए हैं ठीक है <laughs> तो वर्चुअल करेंसी बिटकॉइन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक उसके लिए भी बना रहे हैं और बेसिकली एक नया वेब का वो विजन रखे दैट इज़ वेब जिसमें कि आपको आपकी डेटा की पूरी सिक्योरिटी रहेगी पूरी ओनरशिप रहेगी कुछ भी लिखें कुछ भी करें आप पर कोई कैची नहीं चलाएगा और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी में आपको यहाँ पे चीज़ें कनेक्टेड दिखेगी कनेक्टेड दिखेगी आपको पहचान नहीं आएंगी कि आप हैं क्यों क्योंकि आपस में सब चीज़ें जुड़ी होती है वो थर्ड पार्टी टाइप का होगा आप किसी एक्स से जुड़े एक्स वाई से जुड़ा है जेड आपसे जुड़ा है दोनों जेड किसी और से जुड़ा है आप किसी एक दूसरे को पहचान नहीं पाओगे ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी है वो ठीक है उस एक व्यक्ति को ही पहचान पाओगे जिससे आप जुड़े हो ठीक है या आपसे जुड़ा वाला व्यक्ति लेकिन एक बड़ा नेटवर्क तैयार होगा तो फिलहाल आपको समझना है कि वेब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आपके डेटा और पहचान का पूरा स्वामित्व मिलेगा यू आर द ओनर ऑफ योर डेटा एंड आइडेंटिटी आप सोच रहे हैं ऐसा क्या है अरे बहुत कुछ है जिसमें कि हम मीडिया में जो चीज़ें आती हैं पूरी सेंसरशिप वाली होती हैं मीडिया या पब्लिक डोमेन में जो होता है बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करके होना होता है अगर ऐसा करेंगे तो आपके विचार स्वतंत्र हो जाएंगे आपके विचार स्वतंत्र हो जाएंगे आपकी आइडेंटिटी को आप खुद भी अच्छी तरीके से लिख पाओगे कह पाओगे विदाउट एनी सेंसरशिप जिसमें कि ना गवर्नमेंट का प्रेशर होगा ना बड़ी टेक्नोलॉजी कोई इसमें आपसे सेंसरशिप करेगी ना किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल बॉडी आपको क्या रोकेगा तो आने वाले समय में ये होने वाला है जो पूरी तरह से क्रांति लेकर आएगा बदल के रख देगा ठीक है जैसे कि अगर हम अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आजकल फ़ेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो फेक न्यूज़ जो है बेसिकली क्या है आपके बारे में कुछ भी मड़गलन मड़गलन कुछ भी कह दिया गया और आप कुछ भी नहीं आप कर पा रहे हो क्योंकि वहाँ पे वो कहीं से आ रहा है कहीं जा रहा है अब ओनरशिप वाली बात आएगी तो आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी रहेगी आप उसे बदल सकेंगे उसे लिख सकेंगे आपका स्वामित्व रहेगा ठीक है इसके बारे में बहुत कुछ और भी पढ़ा जा सकता है बेसिकली बस इतना जानो वेब पॉइंट वेब फाइव पॉइंट जीरो ध्यान रखना हमने इसे टू वेब टू पॉइंट जीरो प्लस थ्री पॉइंट जीरो को ऐड कर दिया और एक नया प्रकार का बना दिया वेब फाइव पॉइंट ज़ीरो ठीक है जिसमें सभी प्रकार की चीजें होंगी ये दोनों को शामिल कर लो रीडिंग भी होगा राइटिंग भी होगा क्रिएटिंग भी होगा तो ये दोनों तो कॉमन है तो बच गया क्या ओनिंग भी तो हंड्रेड परसेंट ओनिंग रहेगी आप हंड्रेड परसेंट फ्री रहोगे इसमें क्लियर हो गया तो ये चीजें आपको जाननी थी नाव आते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जिसे हम कहते हैं ई पी आई एनवायरमेंटल परफॉर्मिंग इंडेक्स दो इंडिया स्कोर बैडली बहुत खराब स्कोर है इंडिया का बट आपको कुछ पॉइंट इसमें समझना है कि ई पी आई जनरेट जो है कौन रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है रिलीज किया जाता है किसकी मदद से येल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल एंड लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइन इंफॉर्मेशन नेटवर्क कुल मिला है कोलंबिया यूनिवर्सिटी और येल यूनिवर्सिटी आप सीधा लिख लो यह यल सेंटर लिख लो और बेसिकली बाइन यल होता है दो साल में एक बार ये सूचकांक जारी की जाती है शुरुआत सबसे पहले 2002 में हुई थी ठीक है ये बात याद रखना बेसिकली ये क्या है एक इंटरनेशनल रैंकिंग है जो आपके कंट्री की इन्वायरमेंटल कंडीशन पर्यावरणीय स्थिति और देशों की स्थिरता को मापता है जिसमें क्या है तीन उद्देश्य होते हैं आपके कंट्री का इन्वायरमेंट हेल्थ आपके यहाँ का इकोसिस्टम एंड जीवन शक्ति ठीक है और उसके बाद यहाँ लाइफ एक्सपेंडेसी जीवन शक्ति मतलब और तीसरा है आपका जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज तो इन तीन उद्देश्यों को ले जारी किया जाता है इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स लिए जाते हैं इन उद्देश्यों को की स्थिति को जनरेट करने के लिए इन देशों की इन कंडीशन या इन उद्देश्यों की स्थिति को जानने के लिए तो इंडिया का स्कोर 180 है जो बहुत खराब रैंकिंग है कह सकते हैं क्यों खराब है क्या स्कोर है आइए हम समझते हैं जिसमें कि आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा नेक्स्ट पॉइंट को हम यहाँ पे यहाँ पे समझ लेते हैं टेबल के फॉर्मेट पर वो आपके कंटेंट के फॉर्मेट पे है तो देखो अगर हम दुनिया में कहते हैं पहले हम दुनिया की स्थिति समझ लेते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट रैंकिंग है डेनमार्क जिसका ई पी आई स्को सेवेंटी सेवन पॉइंट नाइन जीरो है दूसरा यूनाइटेड किंगडम फिनलैंड ये सभी कंट्री ने बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे उसका एमिशन कम किया इस कारण इनकी रैंकिंग में उछाल देखा गया तो फर्स्ट रैंक हमेशा इंपॉर्टेंट होता है डेनमार्क दूसरा तीसरा आप याद रखो तो ठीक है अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है यूनाइटेड किंगडम सेकेंड और थर्ड जो है फिनलैंड भारत का स्कोर ऐसे हमारे नेबर कंट्री पाकिस्तान बांग्लादेश वियतनाम म्यांमार से भी खराब है है ना यहां पे देख रहे हैं 180 जो है हमारा स्कोर है ठीक है इसमें कि ये ए जो रैंक है ये ए स्कोर 18.90 नाइन जीरो कहाँ सेवेंटी सेवन पॉइंट नाइन जीरो और कहाँ एटीन पॉइंट नाइन जीरो बहुत ड्रेस्टिकली ये क्या है बहुत चेंजेस हैं जिसमें कि हमारे यहाँ अगर देखा गया हमारे यहाँ इन्वायरमेंटल जो हेल्थ की बात की गई जिसमें कि हमारे पास ये 178 रैंक है पार्सिक तंत्र की जीवन शक्ति भी 178 सेवेंटी एट रैंक रैंक है क्लाइमेट पॉलिसी हमारे पास जो बनी 165 रैंक है तो ओवरऑल हमको एक ही बात समझनी है 180 रैंक और 18.90 ठीक है ये तीनों उद्देश्य हैं इन्हीं उद्देश्यों की के लिए क्या है बेसिकली ये लॉन्च किया जाता है इसके कई रीजंस हो सकते हैं चाहे रूल ऑफ लॉ की बात करें ये इसका पुअर जो है इम्प्लीमेंटेशन या आप कह सकते हैं कि जो कानून का राज है उसका जो है पुअर टाइप का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स की जो है धज्जियाँ उड़ाई गई हैं जो क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के डिग लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है तो अगर उसका पालन करते तो शायद हमारी ये रैंकिंग बैटर होती एटलीस्ट वन एटी तो नहीं होती लेट एक्सेप्ट इट क्योंकि ये एक अनबायस्ड टाइप की क्या है एक एक बॉडी है जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है तो ये पॉइंट याद रखें इसमें कोई ऐसा स्टैटिक कंटेंट नहीं है आगे बढ़ते हम पृथ्वी टू मिसाइल की ओर पृथ्वी टू मिसाइल क्या है आपको याद रखना होगा पृथ्वी टू मिसाइल क्या है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है ठीक है सरफेस टू सरफेस मिसाइल में यहां देखो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है तो ये तीन टर्मिनोलॉजी को समझिए और रेंज को भी आपको समझना होगा अब आप सोच रहे हैं कि पृथ्वी टू तो पहले भारत बना चुका है फिर क्यों पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स बीच बीच में टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए तकनीकी प्रदर्शन के लिए थोड़ा एडवांस टाइप की फीचर्स के साथ हम टेस्ट करते रहते हैं ताकि एक हमारा ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन आपका जो है तकनीकी रूप से प्रदर्शन होता रह सके तो जिसमें आपको पृथ्वी टू के बारे में समझना है मैं तीनों पृथ्वी को करा देता हूं देखो पृथ्वी के तीन नाम है, प्रिथ्वी वन, प्रिथ्वी तीन मिसाइल है। और पृथ्वी थ्री ठीक है तीन है आपको याद, याद रखना है अगर मोटा मोटा रेंज कहा जाए इसका डेढ़ सौ किलोमीटर रेंज है वन फिफ्टी किलोमीटर रेंज है दूसरा है टू फिफ्टी किलोमीटर रेंज है और तीसरा है थ्री फिफ्टी किलोमीटर रेंज है अब आप सोच रहे हैं यहां तो टू फिफ्टी एंड थ्री फिफ्टी लिखा हुआ है कोई दिक्कत नहीं समय समय पर हम क्या है इसके रेंज को बढ़ा सकते हैं या हमारे ऐसा हम कैपेबल कर लेंगे कि पृथ्वी टू आपकी कैपेसिटी है उसकी थ्री फिफ्टी किलोमीटर तक हो सकता है पृथ्वी थ्री आने वाले समय में आए फोर फिफ्टी चला जाए फाइव फिफ्टी चला जाए चूंकि ये बैलिस्टिक मिसाइल है तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या है इसका ये होता है बैलिस्टिक मिसाइल का नेचर इस कि किसी चीज को हैं, तो अधिकतम दूरी ट्रेवल करती है तो सिमिलरली उसे हम प्रोजेक्टाइल पाथवे कह सकते हैं या ट्रेजेक्ट्री पाथवे प्रक्षेप पथ कह सकते हैं तो हम भी यहां पे एंगल सेट करते हैं अधिकतम दूरी तक जाने के लिए डिपेंड करता है आपका दुश्मन कहां है बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात ये इन्वायरमेंट ये जो हमारा एटमोस्फेर को क्रॉस कर जाता है तो दूसरी बात क्या है जैसे ये नीचे गिरना चालू होता है एक तो पिक टॉप पॉइंट होगा उसके बाद ये नीचे गिरना चालू होगा तो ये क्या करता है ग्रेविटी को यूज करता है इस जी को यूज करता है तो अब मैटर ये आ रहा है कि आप बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़े एटमोसफियर के बाहर गया टॉप पॉइंट गया नीचे गिरा और गिरने के बाद यहां पे ग्रेविटी का यूज किया तो ये बहुत ज्यादा विध्वंसक होगा घातक होगा क्योंकि किसी भी मिसाइल के जो है ये देखो ये मिसाइल है तो मिसाइल के ये जो है इसका वॉरहेड है ये क्या है इसका वॉरहेड है यहाँ पे आपको अगर अगर न्यूक्लियर वेपन डाले हैं तो इसे रणनीतिक या स्ट्रैटेजिक वॉर कहेंगे और अगर यहाँ पे बारूद वगैरह या टीएनटी वगैरह या फिर कह सकते हैं बेसिक टाइप के एक्सप्लोसिव या विस्फोटक भरे हैं तो उसे क्या कहेंगे हम पारंपरिक या कन्वेंशनल वॉर हेड कहेंगे ठीक है तो अगर यहां पे हम स्ट्रैटेजिक या फिर हम कन्वेंशनल वॉर हेड यूज कर रहे हैं और अगर वो बैलिस्टिक है और बैलिस्टिक मिसाइल की खास बात ये बहुत दूरी ट्रेवल करता है जैसे भारत की सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाए तो अग्नि सीरीज के मिसाइल है और अग्नि सीरीज जो है हमारे कम से कम अग्नि फाइव अग्नि सिक्स जो है छः हजार आठ हजार किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं इसी कारण हम उसे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल मतलब दो महाद्वीप के बीच की दूरी को ट्रेवल कर रहा है समझ पा रहे हैं। तो यहां पे आपको ध्यान देना है जो तीनों बेसिक वर्जन में बता रहा हूं इसका रेंज ये है रेंज चेंज हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल है पृथ्वी मिसाइल है पृथ्वी वन जो है पृथ्वी टू है पृथ्वी थ्री है ठीक है पृथ्वी वन जो है आर्मी यूज करती है पृथ्वी टू जो है आपको एयरफोर्स यूज करती है पृथ्वी थ्री क्या नेवी यूज करती है और पृथ्वी थ्री को ऑल को और क्या कहा जाता है धनुष मिसाइल कहा जाता है नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी थ्री इज आल्सो कॉल्ड धनुष मिसाइल ये बात आपको याद रखनी है एग्जाम में पूछा जाए धनुष मिसाइल क्या है अरे कुछ नहीं है वो धनुष मिसाइल का नेवल फॉर्म है नौसेना भाई जिसकी दूरी क्या है एक हजार किलोमीटर से कम है, उसे हम कहते है रेंज बैलिस्टिक मिसाइल तो एक हजार से कम है तो मिसाइल और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना जब डॉक्टर कलाम भारत को मिसाइल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे थे जिसे कहते हैं आई जी एम डी पी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत हुई थी उन्नीस में और पांच सफल मिसाइल पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश जिसे हम पटना से याद रख सकते हैं पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग और आकाश ये पांचों मिसाइल को हमने बनाने का सपना देखा उन्नीस में और उसे सफलतापूर्वक अचीव किए 2008 में इसके बाद डॉक्टर कलाम को एक नए नाम से जाना गया जिसे कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया वैसे मिसाइल वेमेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है किन कहा जाता है डॉक्टर टेसी थॉमस को कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर कलाम के रिटायर होने के बाद अग्नि सीरीज के मिसाइल और बाकी मिसाइल का डेवलपमेंट का जो पूरी कमान है वो डॉक्टर टेसी थॉमस के हाथ में आ गई और उनको जो है मिसाइल वेमेन कहा जाता है उनको अग्निपुत्री भी कहा जाता है क्योंकि भारत की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल बनाने का श्रेय जो है जिनके लीडरशिप में हुआ था वो डॉक्टर टेसी थॉमस थे इसलिए उनको अग्निपुत्री भी कहा जाता है तो यहां पे बहुत सारी पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं आपके कंटेंट जो स्टैटिक कंटेंट है कहां से मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं आईटीआर इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज जो बेसिकली बालासोर के पास एक कोस्ट वाला क्षेत्र में छोटा सा आइलैंड है जिसे हम कहते हैं चांदीपुर तो वहीं से आईटीआर टी चांदीपुर से क्या है ये मिसाइल्स वगैरह जो है लॉन्च किए जाते हैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको जाते-जाते मैं जरूर कहूंगा इस टॉपिक से आई आईजीएमडीपी के तहत भारत का प्रथम मिसाइल कौन सा बना था पृथ्वी मिसाइल बना था याद रखना क्लियर हो गया आगे बढ़े चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे कंटेंट की ओर नाउ कम टू द पार्ट ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट इंडेक्स 2022 हजार यहां पर इस पॉइंट में आपको समझना है वही इंपॉर्टेंट टर्म सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ब्रंटलैंड रिपोर्ट में सबसे पहले इसके कंसेप्ट को बताया गया कि हम जनरली क्या करते हैं डेवलपमेंट जब करते हैं किसी भी कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के चाहे रोड का बना बनाना हो पुलिया बनाना हो या किसी प्रकार बड़े बड़े ब्रिज बनाने हो या फिर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करना हो तो बड़ी लेवल पे जन धन की खासकर इन्वायरमेंट की हानि होती है जिसमें कि बहुत सारा एन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है पर्यावरणीय क्षति होती है तो हम विकास ऐसा करें कि पर्यावरणीय क्षति भी ना हो और विकास भी होता रहे दोनों को सामंजस्य बैठा के हम चलें या न्यूनतम जो है क्षति हो तो ऐसे हम विकास को हम क्या कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं तो ऐसी रिपोर्ट जारी की गई है ग्लोबल लेवल पे भी इस रिपोर्ट में ग्लोबल रैंकिंग में खुद अपना वर्ल्ड को एक बॉडी माने तो उसके रैंकिंग में भी कमी आई है अब भारत के भी रैंकिंग में क्या है क्या सुधार आया है क्या कमी आया आइए देखते हैं और वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट रैंक इसका देखेंगे फिनलैंड इज़ द कंट्री फर्स्ट रैंकिंग है डेनमार्क सेकंड रैंक स्वीडन थर्ड रैंक नॉर्वे फोर्थ रैंक तो ये फिनलैंड डेनमार्क स्वीडन नॉर्वे ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंटेंट है याद रखना क्योंकि यहाँ पे भारत जो है वन कंट्री में भारत का स्थान वन ट्वेंटी वन है ये भी बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा दो हज़ार इक्कीस में एक सौ बीस थे और थोड़ा हमको जो है नुकसान हुआ एक अंक का तो एक रैंक का तो एक सौ स्थान है हमारा ऐसे कंट्री कौन है जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो अच्छा परफॉर्म करने वाले बांग्लादेश और कंबोडिया ऐसे कंट्री हैं जो सबसे अच्छा जो है उन्होंने प्रोग्रेस किया है पिछली रिपोर्ट है ना जैसे 2015 के बाद से सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ये रिपोर्ट अगर देखेंगे तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रोग्रेस इन्होंने किया है सबसे बैडली स्कोर जिन्होंने किया है वेनेजुएला ने है जो सबसे खराब रैंकिंग में से सबसे ज्यादा गिरावट इन्होंने दर्ज किया अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं बताता हूँ थोड़ा फिर हमारे स्टार्ट, इसके स्टार्टिंग कंटेंट में आगे बढ़ेंगे ये देखिए ये है हमारे सत्रह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अगर इस गोल को वन बाई वन आप पढ़ेंगे सत्रह गोल्स को ऑल दो मैं कंटेंट में आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन फिलहाल आप समझो कि ये सत्रह गोल आपके आजू बाजू ऊपर नीचे आस पास चारों और हर चीज जो आप देखते सुनते हैं आपसे रिलेटेड है आपसे रिलेटेड नहीं भी है सभी चीजों को कवर किया गया है ठीक है आप सभी को पता होगा कि पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल लाए गए थे और उसे रिप्लेस कर दिया गया कि 2030 तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास की संकल्पना जो हमने पढ़ा कि पर्यावरण क्षति नहीं होगी विकास भी होगा तो उन सभी जो है निर्देशों को पालन करते हुए फाइनली हम क्या करेंगे सत्रह गोल्स को अचीव करेंगे जिसमें कि आपको पता होगा कुछ एक दो बता देता हूँ बाकी ये लिस्ट लंबी है इसलिए मैंने इसे ट्रिक आपके लिए लेकर आया है ताकि ट्रिक के बेस पे आप इसे याद रख सकें और जैसे कि नो पावर्टी पावर्टी नो हंगर जीरो हंगर मतलब लोग भुखमरी भी ख़त्म हो गरीबी भी खत्म हो आपको एक अच्छा हेल्थ भी मिले आपको क्वालिटी एजुकेशन भी मिले जेंडर इक्वलिटी भी मिले ये सब तब पॉसिबल है जब आप जो हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए आप विकास करें क्योंकि अगर हम पर्यावरणीय क्षति करते हैं अगर हम क्या है क्लाइमेट चेंज को नहीं रोकते हैं तो आने वाले समय में बड़ी लेवल पे बायोडायवर्सिटी लॉस होगा बड़ी लेवल पे इन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा लार्ज स्केल पे जो मिलियंस ऑफ पीपल हैं वो जो बेचारे गरीबी बिलो पावर्टी लेवल या और जो माल न्यूट्रिशन से गुजर रहे हैं उन पर और संकट आएगा और वैश्विक स्तर पर एक बड़ी त्रासदी एक बड़ी जो है डिजास्टर आएगी तो ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन ने फाइनली क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सत्रह गोल डिसाइड किए हैं इन सत्रह गोल्स को कभी भी किसी भी एग्जाम में आप लिख सकते हैं क्यों लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं आइए हम समझते हैं तो यहां पे देखिए कि अगर हम भारत की रैंकिंग देखेंगे ये दीज आर द दिन गोल्स जिसमें अलग अलग उसका इलाबरेशन आपका इसमें देख रहे हैं पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अगर आप ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो क्लीन एनर्जी होनी चाहिए तो हर चीज इसमें शामिल है आपकी एजुकेशन आपकी जेंडर इक्वेलिटी आपकी जो है बेसिक डेवलपमेंट आपके में आपके जो है लाइफ सब चीज़ें इसमें शामिल है तो इसको मैं आपको अलग से नहीं एक्सप्लेन करूँगा बट ये ज़रूर आपको लर्न कराऊँगा कि ये सत्रह गोल्स को कैसे याद रखा जाए फिलहाल थोड़ा फोकस कर लेते हैं इंडिया पर कि इंडिया का यहाँ पे क्या स्थिति है तो इंडिया की स्थिति में देखते हैं सत्रह सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ग्यारह लक्ष्यों में हम क्या है बहुत बड़ी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं इसलिए ग्लोबल लेवल पे हमारी रैंकिंग जो है पुअर हो गई वन ट्वेंटी से वन ट्वेंटी वन हो गई ठीक है एक बात ये पॉइंट रख रक, याद रखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट है याद रखना इसे अलग तरीके से कभी ना कभी पूछा जाएगा इस साल के पेपर में तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि ग्यारह लक्ष्यों में हम जो है फेस कर रहे हैं उस चुनौतियों को उस लक्ष्य को पाने में तो इसलिए हमारी ग्लोबल रैंकिंग जो है कम हो गई और सबसे यहाँ पे देखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नंबर एट हमारे लिए क्या उत्कृष्ट कार्य सुनिश्चित करना हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है और तेरवा नंबर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थर्टीन उस हम हासिल करने की राह पर है ऑल दो यहाँ पर गिरावट जो है प्रीवियस ईस की तुलना में भले गिरावट दी दर्ज की गई है लेकिन उसे हासिल करने में हम उसी की ओर आगे बढ़ रहे हैं ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है अगर आप प्रीवियस ई इसके पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको पूछा जाता है कि सतत विकास में कौन से कंट्री का कौन से स्टेट का पुअर परफॉर्मेंस है किसका अच्छा है तो सबसे पुअर परफॉर्मेंस में आप पेयर पेयर में याद रखना तो सबसे पहला पेयर आप याद रखो यूपी बिहार का दूसरा आंध्र प्रदेश तेलंगाना का क्योंकि आजू बाजू हैं ये भी सिमिलर टाइप के ये भी सिमिलर टाइप के हैं फिर पंजाब राजस्थान वो भी पेयर में आप याद रख लो और फिर सेपरेट में कर्नाटक और झारखंड को अलग से याद रख लो ठीक है इनके कारण इनके स्कोर में कमी आई तो ओवरऑल भारत की स्कोर में भी कमी आ गई क्लियर हो पा रहा है ये पॉइंट ठीक है तो अब हम देखें कि ऐसा दस लक्ष्य है दस लक्ष्यों में प्रगति 2020 में जैसा था वैसे 2021 में हमारे 2021 में जैसे था वैसे 2022 में देखा गया है ये बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो तीन और छः नंबर का ये जो है इसमें भुखपरी समाप्त करना हेल्थ की बात करना ठीक है और शुद्ध जल और स्वच्छता की बात करना ठीक है तो ये बेसिकली ये क्या है आपके खाद्य सुरक्षा से संबंधित है ये हो सकता है आयुष्मान से रिलेटेड हो ठीक है या ये हो सकता है आपको 2024 तक जो है जो है आपको ड्रिंकिंग वाटर घर में नल होने की बात करो इस कारण जो है यहाँ पे अब इसमें थोड़ा सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है ये बात आप जान सकते हैं तो चलिए आइए मैं आपको ट्रिक बताता हूं तो अब हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सत्रह गोल्स हैं इसे किस प्रकार याद रखा जाए याद रखना फ्रेंड्स कि किस टाइप के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं जो सेंटेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं थोड़ा व्याख्यात्मक क्वेश्चंस होते हैं लंबे सेंटेंस वाले चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम हो या राज्य स्तर के एग्जाम हो तो वहाँ पे आपको पूछा जाता जा सकता है सीधा सीधा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कौन से किसके बारे में बात की गई है फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पूछ दिया जाए यहाँ पर क्लीन वाटर के बारे में बात किया गया है तो गोल नंबर सिक्स में बात की की गई है आपको जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है वुमेन के बारे में बात की गई है गोल नंबर पाँच के बारे में बात की गई है तो इस प्रकार सीधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आने वाले वर्षों के लिए भी और एग्जिस्टिंग ईयर के पेपर्स में भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो तब पूछा जाएगा जब पेपर का लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट होगा ठीक है और सिंपल एक लाइनर वन लाइनर के फॉर्म में या फिर चार ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस में आएगा तो सतत विकास नंबर आपको पूछा जाएगा गोल नंबर क्या है उसका लक्ष्य क्या है ठीक है तो सीधा सीधा यहाँ पे पहले हम समझते हैं इस ट्रिक को थोड़ा सा आपको ये बात को फोकस करना होगा ये सत्रह गोल्स को याद करने के लिए आपके पास कोई दूसरे नेमोनिक्स हैं तो भी यूज कर सकते हैं अदरवाइज थोड़ा यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा ट्रिक दोनों चीजें यहाँ पे काम कर रही है तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आई होप वी कैन आई होप वी कैन जो है ये आपका क्या है ट्रिक है जिसमें आपको सभी सभी टर्म आई एच ओ पी ई और W और फिर इधर C I hope we कैन इतने टर्म को आपको लेने हैं जिसमें I का अपना I से रिलेटेड जो है I से स्टार्ट होने वाले वर्ड S से स्टार्ट होने वाले वर्ड P से E से स्टार्ट होने वाले वर्डिंग्स को हम यहाँ पे लेंगे तो जब यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट से जिसमें कि आपको यहाँ पे देखना है आई होप वी कैन ठीक है तो आई वी कैन को सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को पकड़ें और लास्ट वाले को पकड़ें तो सबसे फर्स्ट वाले को पकड़ने के लिए आपको सीधा सीधा आप क्या करो सत्रह गोल है ना तो सत्रह गोल में आप सीधा सीधा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन इसको आप लोग लिख लो ठीक है अब इसको आपको चुपचाप काटते चलना है जो जो चीजें कवर होती जाएंगी ठीक है सत्रह गोल्स को एक दो बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लेकिन ध्यान देना हम यहाँ पे कोशिश करते हैं इसे बनाने का याद करने का तो सबसे पहले आई को पकड़ो तो आई पेयर्स फॉर इनोवेशन्स एंड इनएक्वलिटी ठीक है नवाचार की बात कर रहा है और इनएक्विलिटी की बात कर रहा है कि सबको समानता हो इसकी बात की जा रही है इनएक्विलिटी गायब हो ना हो ना हो समानता की बात की जा रही है तो नौ और दस ठीक है तो नौ और दस को सीधा सीधा आप यहाँ पे इसे काट दीजिए आई के बाद सबसे लास्ट में चले जाएंगे तो सबसे लास्ट में जाएंगे तो इट इंडिकेट सी तो सी मतलब सिटीज क्लीन सिटीज की बात की जा रही है सिटीज के डेवलपमेंट की बात की जा रही है कंजम्पशन की बात की जा रही है क्लाइमेट एक्शन की बात जलवायु के प्रति जो है क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए जो है काम करने की बात की गई है तो ग्यारह बारह तेरह तो ग्यारह बारह तेरह क्लियर हो गया तो नौ दस उसके बाद क्या है ग्यारह बारह तेरह सब चीज़ आपका क्लियर हो गया अब आपका बचा है क्या है यहां पे आपने फर्स्ट कंप्लीट हो गया लास्ट कंप्लीट हो गया है बचा है होप वी तो W को पकड़ लो फिर इधर एक चीज हो जाएगा तो W इंडिकेट्स फॉर वेमेन जिसमें जेंडर इक्वेलिटी की बात की जा रही है लैंगिक समानता की बात की जा रही है और क्लीन वाटर की बात की जा रही है पाँच और छः तो ये भी क्या है पेयर्स में कहना चाहिए कंटिन्यूस है पाँच और छ ठीक है तो अब हमारे पास ये भी कट गया बचा हुआ है चार अब एच ओ पी ई में ध्यान रखना ओ ओ से सिर्फ एक चीज जो है इंडिकेट होगा S से दो चीज इंडिकेट होगा पी से तीन चीज इंडिकेट होगा और ई e से चार चीज इंडिकेट होगा अब आपको यहां पे छोटे छोटे वाले को पहले क्लियर कर लेना है वन और टू वाले को मतलब जैसे कि यहां पे एच से रिलेटेड वाले ओ से रिलेटेड वाले तो ओ सबसे पहले है देखो एक ही चीज को इंडिकेट कर रहा है नंबर का ठीक है ओशन की बात की जा रही है यहाँ पे ठीक है दूसरा उसके बाद दो चीज इंडिकेट करने वाला एच है तो एच जो है हंगर और हेल्थ की बात करता है तो दो और तीन तो आप काट लो इसे दो तीन और नीचे चौदह ये चीज हो गया अब बचा है आपके पास सिर्फ दो शब्द एच और ओ कटने के बाद सिर्फ दो शब्द बचा है पी और ई तो पी जो है तीन चीजों को इंडिकेट करता है और इसे याद रखना एक सोलह सत्रह तो one, six, 16, 17. तो आप काट लो यहां पे one, उसके बाद 16, 17 इतना हो गया बस काम खत्म सबसे बड़ा वाला जो चीज होगा बचा होगा चीज बचा होगा क्या क्या बचा है चार बचा है देखो सेवन बचा, बचा हुआ है एट बचा हुआ है और फिफ्टीन बचा हुआ है तो पहले आपको पी को कवर कर लो पी क्या हमने कहा एक सोलह सत्रह तो पावर्टी पीस एंड पार्टनरशिप ग्लो है ना गोल वा, वा, वन सिक्सटीन और सेवनटीन ठीक और उसके बाद बचा हुआ जो चीज है सबसे पहले यहाँ फोर ई को आप समझ जाओ तो फोर ई में क्या क्या है एजुकेशन एनर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोसिस्टम तो ये चार चीजें और आ गई तो एक दो बार आपको उसको जरूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा बट ये निमोनिक्स बड़ा यूजफुल है ठीक है तो यहाँ एजुकेशन एनर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोसिस्टम की बात की गई है तो फोर सेवन एटीन फिफ्टीन ठीक है यहां पे फोर उसके बाद सेवन फिर उसके बाद जो है आपका जो है फोर सेवन उसके बाद एट एट उसके बाद फिफ्टीन नॉट एटीन एट है ठीक है, है ये बात आपको ध्यान रखना होगा तो फोर सेवन एट और फिफ्टीन इस प्रकार आपको याद रखना है हमने सबसे पहले फर्स्ट को लिया फिर लास्ट को लिया लास्ट के पहले w को लिया उसके बाद आई के बाद में जो टर्म है उसको देखा कि कौन कितने शब्द को इंडिकेट कर रहा है एच ओ पीई में ओ एक को इंडिकेट कर रहा था एच दो को इंडिकेट कर रहा था पी तीन को कर रहा था ई चार को कर रहा था और ई के बारे में ऐसे भी आपको थोड़ा सा याद कर लेना क्यों याद कर लेना इस सत्रह गोल्स में एकमात्र ऐसा वर्ड है जो चार शब्द को फोर टारगेट को फोर गोल्स को क्या है जो इंडिकेट कर रहा है एनर्जी एजुकेशन एनर्जी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोसिस्टम बस हो गया आपका ये काम एक्चुअल में ये ट्रिक तब काम आएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी भी बुक में कोई भी कंटेंट दिया हो जो अच्छे स्तर का हो राष्ट्रीय स्तर का राज्य स्तर का हो उन बुक में अगर आप यहां पे इसे पढ़ के जाओगे तो आप विदाउट एनी मिस्टेक इसे सॉल्व कर लोगे ठीक है ये बात आपको बतानी थी आई होप ये समझ पाए होगी कोई भी डाउट होगा तो एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा आई होप वी कैन ठीक है आई होप यू कैन ठीक है ये बात आपको याद रखनी है यस नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ टूडे सेशन दैट इज़ अबाउट द सिपरी रिपोर्ट सिपरी रिपोर्ट यू स्तर में भी पहले पूछा जा चुका है अगर आप पेपर सॉल्व किए होंगे तो और आने वाले समय में ये चीज़ें और ज़्यादा रेलेवेंट होने वाली हैं क्योंकि पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ मची हुई है तो सिपरी रिपोर्ट क्या है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेसिकली कौन सा कंट्री कितना उसके पास वेपनाइजेशन है शस्त्रीकरण है या फिर कहें हम आर्मामेंट्स हैं कौन सा कंट्री डिसआर्मामेंट की बात कर रही है कौन सा इंटरनेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सेंसिटिव है इन सभी बातों की यहाँ पे रिपोर्ट पब्लिश की जाती है देर आर नाइन इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ जो क्या है आपके न्यूक्लियर कनेक्शन है न्यूक्लियर वेपन जो है उनके पास है इसे भी याद रखना है तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च के द्वारा सीपरी रिपोर्ट जो होती है ये ईयरबुक जो है पब्लिश की जाती है और जो बेसिकली जो वेपन्स हैं हथियार हैं निरस्तीकरण है इंटरनेशनल सिक्योरिटी की उस स्थिति का आकलन करके ये इस रिपोर्ट जो है जारी करती है देर आर नाइन इम्पॉर्टेंट न्यूक्लियर कंट्रीज जो आपको याद रखना है ग्लोबल सिनेरियो को किन 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 कंट्री के पास न्यूक्लियर जो है पावर है कौन कौन से कंट्री जिनके पास परमाणु हथियार है पेयर में याद रखो यूएसए रूस मतलब दो पोल अमेरिका और रशिया उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस फ्रांस का भी बहुत जो है डिफेंस सेक्टर बहुत आगे है इसी कारण हम रफाइल जैसे चीज़ें हम एडवांस टाइप के वेपन जो हैं एडवांस टाइप के लड़ाकू विमान वहाँ से हम इम्पोर्ट करते हैं यूनाइटेड किंगडम अत्यधिक विकसित देश कहा जाता है काफ़ी पहले से इसकी कॉलोनी वगैरह पूरी दुनिया में फैली हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम के पास भी हमारे पास देखते हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन है उसके बाद आप भारत के चारों तरफ घूमो जैसे इंडिया पाकिस्तान चाइना आई याद रख सकते हैं ठीक है तीन कंट्री हो गए और एक एडवांस टेक्नोलॉजी मामले में सबसे बहुत आगे रहने वाला कंट्री जिसका नाम इसराइल है इतना एडवांस कंट्री है कि वहाँ की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया लोहा मानती है इसराइल है और एक पागल देश जिसे हम कहते हैं नॉर्थ कोरिया ठीक है केमजोंगून के कारण क्योंकि वो कब क्या कर दे किसी को नहीं पता किसी पर उसका नियंत्रण नहीं है तो बेसिकली इतने कंट्री नाइन कंट्रीज को हम कह सकते हैं कि दीज आर द नाइन कंट्री हैविंग अ न्यूक्लियर वेपन ठीक है दस नौ ऐसे कंट्री जिनके पास ये परमाणु हथियार है कितना कितना हथियार है थोड़ा इस सिनेरियो को भी देख लेते हैं जैसे यहां पे देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी रहती है भारत चाइना के बीच में भी युद्ध की स्थिति बनी है इसलिए मैंने दोनों का यहाँ पे यहाँ पे शामिल किया है तो देखिए सबसे पहले कि ये जो है अपनी चाइनीस आर्मी है देखो ये इनके पास जो है ये न्यूक्लियर वेपन है ठीक है बेसिकली मैंने कहा किसी भी मिसाइल है जैसे मिसाइल है ये तो मिसाइल का जो वॉर हेड होता है इसमें अगर न्यूक्लियर वेपन भर दोगे तो जहां पे भी आपको अटैक करना है वहां जाएगा इसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव है नाभिकी जो है विस्फोटक है वहां पे गिरेगा और फिर परमाणु बम जो है फाइनली धमाका होगा और सभी जगह जो है आपका रेडिएशन फैल जाएंगे रेडियो एक्टिव रेडिएशन और यहाँ पे श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो जाएगी चेन रिएक्शन चालू हो जाएगा और फाइनली वहां पे देखेंगे बहुत लोग मारे जाएंगे चाहे एनिमल हो प्लांट हो सब मारे जाएंगे ठीक है और क्योंकि लार्ज स्केल पे हिरोशिमा नागासाकी का असर आप जान ही रहे होंगे नीचे यहाँ पे देखेंगे साहहीन शाहीन नाम का इनका एक मिसाइल है जो ये न्यूक्लियर कैपेबल वाला मिसाइल है तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है कि ये दो कंट्री के जवाब में भारत के पास क्या है तो भारत के पास है भारत 2022 जनवरी तक 160 क्या है न्यूक्लियर वेपन है भारत के पास ठीक है और इसके बाद देखते हैं भारत का जो है अगर हम देखें 2021 की तुलना में चार संख्या बढ़ाकर हम देखते हैं 156 से लेके 160 हम कर लिए मतलब हम इसका भी डेवलपमेंट कर रहे हैं एक चीज जानते होंगे मिसाइल हवा में चलती है कोई चीज मिसाइल कहलाती है और वही मिसाइल जब पानी में पनडुब्बी एक सबमरीन से दूसरे सबमरीन के बीच में जाती है उसे टॉर्पीडो कहा जाता है तो वहां पे भी क्या है इस न्यूक्लियर वेपन का हम यूज कर सकते हैं तो मिसाइल टॉर्पीडो टॉर्पिडो कुछ नहीं है पानी में चलने वाली मिसाइल को टॉरपीडो कह देते हैं जो बेसिकली एक सबमरीन से दूसरे सबमरीन में जाती है अटैक करती है तो 160 सिक्सटी है आज के डेट में भारत के पास न्यूक्लियर वेपन हालांकि हम रिपोर्ट को बहुत सेंसिटिव मानते हुए पब्लिश नहीं करते बट ये क्या है सिपरी का रिपोर्ट है हमारा जो दुश्मन देश चाइना उसके पास देखते हैं जनवरी 2022 की स्थिति में इनके पास है 350 न्यूक्लियर वेपन और वैसे देखा जाए कि अगर हम भारत और पाकिस्तान के बीच में देखते हैं तो पाकिस्तान में भी क्या है भारत से थोड़ा सा ज़्यादा है ठीक है थोड़ा सा ज़्यादा है हमारे पास वन है तो पाकिस्तान के पास इससे थोड़ा ज़्यादा है लेकिन आपको डरने वाली कोई बात नहीं है कुल मिला भारत अपना डेटा पब्लिश नहीं करता हो सकता है भारत के पास से ज्यादा हो ठीक ये बात आपको ध्यान रखनी है दुनिया में रूस के पास सबसे ज्यादा है सेकंड में यूएसए के पास है जो नाइन्टी परसेंट टोटल हंड्रेड है उसका नाइन्टी परसेंट दोनों देश के पास ही है बस इतनी बातें आपको याद रखनी है तो नौ कंट्री में हमारे पास यह है बेसिकली भारत और चाइना के बीच में और पाकिस्तान का बेसिक सीनारियो आपको मालूम होना चाहिए आई होप ये सभी बातें आप समझी होंगे कुछ पिछले सेशन की कुछ डाउट्स स्टूडेंट ने पूछा था कि वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर सॉरी भारत का फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है हम परम सिद्धि ए को माने या फिर हम माने इसे प्रवेक को परम प्रवे को तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने उस स्टूडेंट को ऑलरेडी इंडिविजुअली कमेंट करके कहा था कि दोनों दो अलग अलग ट्रस्टेड सोर्स में विश्वसनीय स्रोत में दोनों एक में परम प्रवे की बात की गई है एक में जो है आपकी परम सिद्धि ए की बात की गई है तो आपको दोनों में किस रिपोर्ट को माने फाइनली मैं आपको एक छोटा सा त्रुटि सुधार के तौर पर एक करेक्शन के तौर पर यह पॉइंट जरूर बताना चाहूंगा ठीक है जिसे इस प्रकार अगले स्लाइड में समझ लें अगले स्लाइड में समझ लें तो मैंने पिछली क्लास में कहा था परम प्रवेग ठीक है ऑफ इंडिया इसे हम देखते हैं थ्री पॉइंट थ्री ठीक है ये है लेकिन परम सिद्धि परम सिद्धि एआई एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो 5.26 जो है पेटाफ्लॉप्स है तो आपको यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना है वन पेटा फ्लॉप इसक्वल टू क्वाड्रिलियन कहते हैं है ना यहाँ पे आपको याद रखना है फिलहाल आपको परम प्रवेग और परम सिद्धि में आपको परम सिद्धि को जो है प्रथम रैंक देनी है जिसे आपको एक करेक्शन के तौर पे मैं नोट करा रहा हूँ फाइव पॉइंट टू सिक्स पेटा फ्लॉप्स और परम प्रवेग जो है थ्री पॉइंट थ्री पेटाफ्लॉप्स हैं ऐसा कन्फ्यूज़न इसलिए हुआ कि कुछ मामलों में ये बहुत आगे है और कुछ मामलों में क्या है ये आगे नीचे परम सिद्धि आगे ओवरऑल दोनों को देखा गया कंपेयर किया गया तो आप आप परम सिद्धि को कर सकते हैं क्योंकि 5.26 पॉइंट टू सिक्स पेटाफ्लॉप इसकी स्पीड है ठीक है मतलब एक सेकंड में इतना क्वाड्रिलियन क्या है गणना कर सकता है तो ये छोटा सा करेक्शन है बाकी आपको एक क्लास ऐसी मैं जरूर डेफिनेटली फ्यूचर में कराऊंगा कि पूरी क्रोनोलॉजी कब हमने सुपर कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया और किस प्रकार डेवलपमेंटल जर्नी चली गई और कैसे हमारा टेक्नोलॉजिकल डेवलप डेवलपमेंट होता चला गया इन सभी पॉइंट्स को हम आने वाले क्लास में कभी जब वो संदर्भ आएगा रिलेटेड सुपर कंप्यूटर का डेफिनेटली मैं कवर कराऊंगा फिलहाल ये छोटा सा करेक्शन करने के बाद आप सब से आज मैं विदा लेता हूं और मैं प्रॉमिस करता हूं कि आने वाले क्लासेस में भी ऐसे बहुत सारे कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता रहे आपके किसी भी प्रकार के डाउट्स हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में आप भेजिए ठीक है आई विल आंसर यू Definitely. Thank you so much. Have a nice day.